हेलो पॉपी, हेलो। छोटे छोटे दो डॉगीज को हम लेके जा रहे हैं आज ग्रूमिंग के लिए, और ये गरम कॉफी मैंने मेसन जार में डाल दी है। नाश्ता मेरा रोज ही जुगाड़ू होता है, ये मैंने अंडे साथ ही ले ली। मैंने कहा भाई आज लेट नहीं होना, मैं खाऊं कैसे और कॉफी कैसे पीऊं। और अली अब क्या कर सकते हैं, पीछे ना छोड़ दूं सीट पे? नहीं बस काटे का तो नहीं, तुम शीशा खोलो, बाहर निकल जाएगा आराम से, तुम खाते रहना। यार मुझे डर लग रहा है ये बाहर गिर ना जाए। नहीं गिरेगा, ये पकड़ लो। Are you sure? Yeah. मैंने कैसे अपना नाश्ता किया है, कैसे अपनी कॉफी पी है, ये मुझे बता। डॉग है, मैंने कैसे पॉपी तो इतना कंफर्टेबल है इन कार, मैंने कैसे गाड़ी चलाई है, आई नो। वो बेचारी इतनी स्ट्रेस में आई है, देखो उसको। तो मुझे भी स्ट्रेस में डाला है उसने, कभी इधर एक हाथ से गाड़ी चला रही हूँ, यू टर्न भी मैंने एक हाथ से लिया। बड़ा मुश्किल काम है यार इस तरह। उन लोगों को तो मैं पिछली सीट पे डाल देता तो आराम से बैठा रहता। प्रॉब्लम इज दैट हम लोग इसको उसमें क्रेट में डाल भी नहीं सकते, क्योंकि उल्टी कर देती है। बेला को ठीक ठाक मोशन सिकनेस है तो बेला ने उल्टी कर दी। नबिया का फोन करना है कि नबिया का स्कूल आ गया। नबिया के स्कूल के भाई लोगों में ऐसे जज करें कि यार ये कुत्ते लेके क्यों लोग फिर रहे हैं, हर बार इधर उधर से स्टेयर्स मिल रही हैं, क्योंकि ये जनाब गोद में और उधर वो जनाब गोद में। बेला को गुस्सा चढ़ा क्योंकि उसने बिल्ली देख ली है और ये नबिया आ गई। नबिया इसको मैंने बाहर कर दिया था, सारी बाहर की। नबिया इसको ट्रांसफर करो पीछे। नबिया मैं कैसे गाड़ी चलाऊं यार, इतनी मुश्किल से लाई हूँ। ये लो इसको शीशे से बाहर निकालना, मगर इसको ट्रांसफर करो अपनी गोद में मोटे को। हमारा हो गया यहाँ पे बैठ के चलान, मतलब अनिया का बेसिकली यहाँ पे चलान हो गया, ये यहाँ पे चलान काटा है। अब हम यहाँ पे सीट स्विच करेंगे क्योंकि इट्स अप्रोप्रिएट फॉर मी टू ड्राइव बिकॉज़ ही हैज़ अ डॉग इन हिज हैंड। एक साथ कुत्ते को हाथ में पकड़ना, मैप्स पकड़ना और गाड़ी चलाना इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। तो चलान होने के बाद अब अनिया के सीट पे आ गए ड्राइविंग सीट पे, तो हम जा रहे हैं ग्रूमिंग के लिए। छोटे छोटे टिंकू आ गए ग्रूमिंग कराने। हेलो, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, आज पहले पॉपी को हमने यहीं से लिया था। और पॉपी जो है वो यहाँ पे शरीर डर रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद आया। ये भी थाईलैंड से आया था ना पॉपी? थाईलैंड से आया है कुत्ता हमारा, ये देखिए। तुम थाईलैंड गए? अनिया को मिलने अपने क्लाइंट से, तो वो चली गई एवरग्रीन। हम ये सोच दूसरी टेबल पे बैठेंगे और जज करेंगे। हमने सोचा था कि रोटिसरी जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे मेन्यू चेक करते हैं, अगर यहाँ पे मेन्यू सही हुआ तो फिर यहाँ पे खाना खाएंगे, तो बस कहीं और चलेंगे। तो यार सीन ये था कि हम एवरग्रीन ही बैठ गए और फिर थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि बिजनेस टॉक हो गई, तो बिजनेस टॉक में हम थोड़े से भावनाओं में बह जाते हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। फिर खाना वाना खा के हम वापस आ गए यहाँ पे पॉपी को लेने। पॉपी जो है वो पूरी लूमड़ी बन चुका होगा क्योंकि उसको शेव कर दिया है, और बेला की भी थोड़ी सी हेयर कट है। ये पॉपी को देखे, ये हो गया पूरा शेव। अच्छा लग रहा है, देखो है ना, ट्रिम ट्रिम हो गया। जब पिछली दफा ना इसका सर बिल्कुल बहुत हेरी छोड़ दिया था, बॉडी बहुत लायन वाला बहुत लग रहा था। तुम इसको खाम खा मोटा मोटा बोलते, देखो कितना सा पॉपी निकला है। हमारी मोटा है कि नहीं वैसे? देखा ये बेल भी आ गया, ये हमारा लूमड़ी नंबर वन। डोंट कॉल हिम दैट, हां से प्यारा तो बहुत लग रहा है। ही लुक्स लाइक अ बेयर, हां से प्यारा तो बहुत लग रहा है। ये बेला है छोटी सी। हम अभी घर आए हैं, अनन्या ने मुझे ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दी है जो सुन के ना मेरे पैरों तले जमीन जो है ना वो निकल चुकी है। इन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो उमरे की फ्लाइट है वो कल है। ये इतने अर्जेंट नोटिस पे बेसिकली इन्होंने बोला था कि 26 को है, मैं बड़े तसल्ली में था कि 26 को है, लेकिन आज माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है फ्लाइट के साथ। पहले सबसे बड़ी गलती ये करती थी कि 2022 की जगह 2023 की फ्लाइट कराती थी, अब इन्होंने ये ब्लंडर किया कि एक दिन की नोटिस बताना है। अब सारी जो चीजें ना वो एकदम से करनी है। अब इतने अर्जेंसी पे जाना है तो कुछ चीजें रहती थी, तो हम आलमगीर एहराम हाउस पे आए, चीजें जो रहती है वो लेने। वैसे जो सही एहराम की और ये सारी उमरे की शॉपिंग का जो एसेंस है वो आई फील यहाँ पे आया, दिस वाज द राइट प्लेस फॉर इट। क्योंकि जो न्यूज है हमारे जाने की बहुत मुबारक है, तो मुंह मीठा करना है तो हमारे दरबारी श्री को रहमत श्री को दूर है, यहाँ पे हम ये चीजें लेके हम घर जाके मुंह मीठा कर सकते। फाइनली घर आए हैं, हमने मीठा भी ले लिया, हमने आराम की चीजें भी ले ली, और काफी ऐसी चीजें हैं आराम की जो मिसिंग थी। डैडी इतने क्यूट है ना, डैडी की वैसे तबीयत खराब होती है, डैडी से ज्यादा चला नहीं जाता, लेकिन डैडी इतने एक्टिव होकर बैठे हमारे साथ, गए फर 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 सीढ़ियाँ चढ़ी, सब दिलाया हमें, एक सेकंड के लिए नहीं बैठे वो दुकान में, ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें। फिर नीचे पेमेंट पे बोलते नहीं मैं खुद पे करूंगा, फिर मैं बोला डैडी मीठा खाते हैं, फिर हमें वो दरबारी शीरी लेके गए, उन्होंने रसमलाई दिलाई, कुल्फी दिलाई, फार्मेसी लेके गए, दवाइयाँ दिलाई, तो भी बहुत मजे किए। Amazing यार। पापी को जो पता हो ना कि बाहर जा रहे वॉक पे, तो ये देखें बालू लग रहा है, मतलब प्यारा लग रहा है, बेयर कट कराया है, बस प्यारा है। बाजू बेला इज ओनली मिसिंग आउट बिकॉज़ ऑफ माय चॉकलेट वेलवेट रैपर। अली भाई चला दो मैं चावल के लिए, क्या चला दूं इसको घुमाते रहे ज्यादा नहीं सही है जी। हां नो अली भाई कीमा घुमा रहे हैं, ये देखें थोड़ा दूर रहेगा, मैं आउट चलाऊंगी। ओके ओके, बस यही करना है, अभी भी चलाता रहूं। हां थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाए ना चावल, चिपक ना जाए, मतलब चिपक तो नहीं जाएगा, बस गर्म हो जाए ना सही से, हर जगह उसको गर्म मिल जाए। ओके, इतनी बड़ी सर्दी लग रही है, यहाँ पे मैंने रजाई मंगाई है नानसी की, मान प्लीज रजाई की मान। टू एडमिट यार कराची में थोड़ी सर्दी हो गई है। टाइम हो गया बेला के सोने का और इसको पैक करने का इसकी क्रेट में,
गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट यूट्यूब। और ये भी पॉटी ट्रेन नहीं हुई इसलिए मैं क्रेट में सोती, इसको क्रेट में डालना है अभी। चलो डालो। उसकी आंखों में लाइट पड़ी, यूं कर रही है वो। नॉर्मल रूटीन अभी यूं करती है यूं। हम कूजी कूजी बेड में जाओ, नहीं जाना। वो स्लीपी हुई है बिल्कुल ही ढीली। चल जा। गुड गर्ल। थैंक यू फॉर माय मोजे। मैं सुबह उठ के आ रही हूँ, 10 बजे तक उठ जाना। 10 बजे तक उठ के क्या करूँ? शुरू करना चाहिए। नबिया ने तो मम्मा को बोला कि प्लीज मुझे छुट्टी करने दे, इतनी मुश्किल से कन्विंस किया। जो आलमगीर आराम हाउस है वहाँ से जाके हमने सारी चीजें लेनी, एंड यार इट वॉज लाइक एन एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मैं इतना फैसिनेट हो रहा था चीजें देख के। हमने ये भी होता है, ये भी होता है। तो हमने एक बैग लिया, हमने क्या चीजें ली मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। सो ये सारी चीजें थी, अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक अदद एहराम है, तौलिया वाला है क्योंकि सर्दी है। उसके साथ उन्होंने एक चप्पल भी दी और एक बैकअप चप्पल। हर चीज का एक बैकअप लिया, मतलब अगर मैंने एक एहराम लिया तो मैंने दूसरा बैकअप लिया। और अली इतना स्पॉइल हुआ है कि ये मेरा बैग है ना, DKNY वाला, ये ठीक है। इज लाइक मुझे भी इस तरह का बैग चाहिए। उसने कहा अच्छा सही है, तो वहाँ ही एक उम्रे के लिए चाहिए। आपसे ओके फाइन, तो वहाँ से आलमगीर भी तुम्हें ना उस तरह का मिल जाएगा। वहाँ पे जाके उसने जब देखा तो थोड़ा वो ऑब्वियसली लाइक इट्स नॉट गोना बी दिस क्वालिटी, लाइक जाफर जी से ले लूंगा मैं, मुझे यहाँ से नहीं लेना। यार मैंने वैसे ही आईडिया प्रपोज की, मैं कहती जाफर जी पास है तो ले लेते हैं। फिर वहाँ पे सस्ता भी बहुत था और अच्छा भी था। हाँ थोड़ा सा स्पॉइल्ड तो हूँ, तो फिर मैंने आलमगीर से ही ले लिया। एंड आपको जरा दिखाते हैं, यार निकालो तो सही ना चीजें। अच्छा एक ये चप्पल थी, वॉट हमारे कपड़े सूख गए कसम से। हमें क्योंकि पता नहीं था, मतलब हमें ये लगा था कि हमारी परसों की फ्लाइट है, लेकिन क्योंकि कल है तो हमने बिल्कुल अर्जेंट मैंने अपनी जो किट है वो ड्राई क्लीन करने के लिए दी, जो कपड़े हैं वो धुलने के लिए दिए। अब आई रियली होप कि सूख जाएं, क्योंकि अगर नहीं सूखे तो उनमें बदबू आएगी और होटल में बैठ के कौन धोएगा। अच्छा अगर बैक टू दिस, ये चप्पल दी थी उन्होंने, ये मैंने खरीद ली वहां से। ये आराम की बेल्ट है, ये लगती है इसमें। एंड ये ड्रॉ स्ट्रिंग बैग है वाला, और इसमें ये सारी चीजें होती है। वो वाला बैग है जो ड्रॉ स्ट्रिंग वाला होता है, जो आप पीछे लगाते हैं, इसमें चप्पल रखते हैं। चप्पल के लिए भी एक अलग शॉपर, तो एक चप्पल का शॉपर है, तो ये चप्पल का शॉपर फिर एक दूसरे बैग में रखेंगे जिसमें बाकी चीजें रख सकते हैं। एंड जी बाकी ये वो बैग है जो अनिया के बैग टाइप का है, इसका मतलब मैं आराम के ऊपर इस तरह क्रॉस में बांध सकता हूँ, सामने बांध सकता हूँ। जो चीजें हैं पासपोर्ट ऐसे नॉर्मल चीजें जो आपकी, तो वो रख सकते हैं। इस तरह के मैंने चार ले लिए थे बैग, कोई फट जाए। ये वाला बैग होता है ये जैसे जूतों के लिए, आपने इसमें रखे जूते या चप्पल या जो भी, ताकि जाहिर है आपका जो बैग है वो गंदा ना हो। ये भी मैंने ले लिए चार, मैंने कहा दो अपने लिए ले लेता हूँ, दो अनिया के लिए ले लेता हूँ। मॉस्किटो क्योंकि पड़ा हुआ था मेरे दिमाग में ऐसा है। हाँ हाँ ले लिया, यार मुझे पता नहीं ना कि हो सकता है वहाँ पे मच्छर हुए तो क्या करोगी, लेने जाओगी कहाँ ढूंढोगी। नेक्स्ट इज, अच्छा ये कुछ ज्यादा ही बैग ले लिया यार मैंने, ये अनिया के हिजाब की कैप और ब्लैक अबाया भी, और मुझे इस बैग में मिल नहीं रहा, लेकिन हमने उम्र के तरीके की जो बुक है वो है। क्या लिया था यार, बैग था, आराम था, चप्पले थी, मेरा अबाया था, हिजाब कैप्स थी, हिजाब पिंस थी, तस्बी बुक्स थी, तस्बी थी, टोपी, साबुन थे, टोपी भी थी, साबुन थे, फ्रेग्रेंस फ्री सोप्स थे, रिपेलेंट था। अच्छा ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी। ये ऑनेस्टली इस्लामाबाद में यार आई डोंट थिंक इस तरह की शॉप है। मैं गया और यार इतना अम्यूज हो गया ना, मैंने कहा ये भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ। तो वहाँ पे बेसिकली फ्रेग्रेंस फ्री सोप्स, क्योंकि जाहिर है आप उम्रे में कोई सेंट नहीं लगा सकते, कोई सेंट वाली चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, आपकी कपड़े आपके कपड़ों से सेंट नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर धुलते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यू नो वॉशिंग पाउडर की या किसी चीज़ की आती है तो वो भी नहीं आनी चाहिए। सो यू नीड टू बी वेरी 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 श्योर। सो जस्ट टू बी वेरी 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 श्योर, हमने फिर फ्रेग्रेंस फ्री साबुन भी ले लिया, काफ़ी चीज़ें ली। अंकल इतने क्यूट हैं, इतने क्यूट हैं यार, हमारे साथ गए पूरे ऑल द वे, हमारे साथ ऊपर तक गए, फिर पूरा हमारे साथ घूमते रहे। एंड ही वॉज सो एक्साइटेड एंड सो एनर्जेटिक कि उन्होंने सारा ले लिया। और इसके बाद मैं कार्ड आके करूँ तो अनिया मुझे इशारा करती कि नहीं। सो शी वॉज लाइक यू नो डैट यू रियली वॉन्टेड टू गेट अस ऑल ऑफ दिस आराम और ये वाली सारी जो चीज़ें होती हैं तो उनको भी लेने दो। एंड ही वॉज सो क्यूट। मैं अगर किसी को पैसे दे रहा हूँ ना, आगे फूल वाले के पास रुके, कोई चीज़ें ले रहे थे उनको पैसे दे रहे थे, तो मैंने पैसे देने की कोशिश की तो इज लाइक आप दामाद से पैसे लोगे। सो यू नो बहुत एक क्यूट सीन था यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइम हो रहा है 4 और हमारी फ्लाइट है 5 बजे की। अब 5 बजे की फ्लाइट तो है लेकिन इमिग्रेशन की लाइन होगी ये वो चीज़ें, तो हमें तकरीबन 12 या 1 बजे निकलना है। उससे पहले हमारा सारी चीज़ें पैक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा सामान है सारा ऐसे ही पड़ा है, ये सारा बिखरा हुआ है, इसको समेटना है, पैक करना है। मैंने
ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं भी करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि सॉरी तुम्हारा हेल्प करना क्या होता है भी बता दो। मैं बहुत हेल्प करता हूँ, बहुत ड्रामेबाजी करती है। खैर हमने सुबह उठना है, सारी चीजें हमने करनी है, फिर उसके बाद जाहिर है निकलना है। यार अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि सुबह के उठे हैं भाई, सुबह आई मीन लाइक 12-1 बजे के, लेकिन जाहिर है 4 बज रहे तो काफी और टाइम है। खैर आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।